हेलो, जी हेलो। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी बताएं, अपने एथिज्म को साबित करें आप। हाँ, वो तो मैं साबित कर ही दूंगी। एथिज्म में तो साबित जो है साबितशुदा चीज है ना। अच्छा, ठीक है, ये अपने इस्लाम को साबित करूं। लेकिन सबसे बड़ी जो सबूत एथिज्म की वो ये है कि जी दुनिया में सिवाय इंसानों के जी कोई भी जो जीव जंतु है वो किसी खुदा को नहीं मानता। अच्छा, तो इस हाँ? ये पूरी दुनिया एक अचानक से क्रिएट हो गई, किसी ने नहीं बनाया इसको, अचानक से नहीं, धीरे से हुई, बट किसी ने बनाया नहीं। किसी ने नहीं बनाया। कोई भी चीज अपने आप वजूद में आ सकती है? हाँ, किस तरह आ सकती है कोई भी चीज अपने वजूद में जब तक हम उसको क्रिएट नहीं करेंगे? अच्छा, अभी अभी ये आपके हाथ में फोन है, ये क्या अचानक से क्रिएट हो चुकी है या किसी ने इसको बनाया है? इसको समझने के लिए हम इस दुनिया का जो जो ये दुनिया है उसको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, पहले जी बताएं। अच्छा, होती है नेचुरल और दूसरी होती है सिंथेटिक। नेचुरल आप मानती है? नेचुरल चीज को, नेचुरल चीज क्या होती है? चलो नेचुरल पे बात कर लेते हैं पहले। प्राकृतिक? नेचुरल के माने होते हैं प्राकृतिक, जो खुद से होती है। अच्छा, जो खुद से होती है। हाँ, मतलब उसके लिए किसी को हुक्म देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जा तो हो, वो नेचुरल चीजें खुद से होती रहती हैं। नेचुरल इसके बहुत सारे सबूत हमारे सामने हैं। पहली बात, तारों का बनना बिगड़ना खुद से होता है, ये नेचुरल चीजें हैं। हम लोग छोटे से बच्चे होते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं, वो खुद से होता है, कोई बड़ा नहीं करता। पोषण शरीर लेती है भोजन से। अच्छा, सेकंड है, थर्ड जो है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स का खसकना। वो खुद ब खुद गुरुत्वाकर्षणीय दबाव के कारण पृथ्वी के तालमेल और जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलते रहते हैं, ये भी एक सबूत है। अच्छा हृदय की गति करना, हृदय की अच्छा गति करना भी नेचुरली है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, वो अनैच्छिक गति है ना। तो अच्छा जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं वो नेचुरली जो हो रही है वो सबूत है इस चीज का कि नेचर जो है खुद से होता है, उसके लिए कोई खुदा या अल्लाह की जरूरत नहीं होती। अच्छा फिर मरने के बाद में इंसान कहाँ जाता है? जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ पर जाता है फिर? जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जो जी दिमाग होता है, क्योंकि सारा जो नॉलेज होता है वो उसके दिमाग में स्टोर होता है, तो जब उसका दिमाग डेड हो जाता है तो उसके लिए इंसान के लिए कुछ भी चीज नहीं बाकी रहता। नहीं, मतलब जैसे मर जाता है तो इंसान कहीं नहीं जाता, ऑटोमेटिक गायब हो जाता आपका सवाल नहीं समझ पा रही। है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे किसी की भी डेथ होती है, ठीक है, उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, फिर वो कहाँ चली जाती है बॉडी? अच्छा, वो इस दुनिया में समा जाती है। दुनिया के अंदर समा जाती है वो, आपको मैंने उसका, सहन किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, उसका हाँ, वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। नहीं, वजूद कभी किसी का ना आपका खत्म होगा ना मेरा ना किसी एक एक जो सुनो ना मेरी बात, एक जो होता है ना छोटी सी कीड़ी, उसका भी वजूद खत्म नहीं होता, बस वो रूपांतरित हो जाता है, यानी कि उसके रूप या अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, दोनों अलग अलग चीजों पर है। अच्छा, मतलब आखिरत पे भी बिलीव नहीं करती आप? बिल्कुल क्या? आखिरत पे भी बिलीव नहीं रखती बिल्कुल आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, आप अपने एथिज्म को साबित कीजिए। बताया तो कि पूरी दुनिया बता रही है कि एथिज्म है, क्योंकि एथिज्म का जो मूल टॉपिक है वो ये है कि कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, और कोई खुदा कोई अल्लाह नहीं है। जो आदि मानव थे वो भी किसी खुदा को नहीं मानते थे। आदि मानव जानते हो ना आप? हाँ, जानता हूँ। हाँ, तो वो लोग भी किसी खुदा को नहीं मानते थे, अपने समय में शिकार विकार करके खाते थे। तब ना उनपे कोई कुरान नाजिल हुआ, ना कोई तनिक, ना कोई बाइबल नाजिल हुआ, ना कोई खुदा आया था उस समय। तो ये नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कुरान में कहता है कि हम उसको हम पर तब तक जवाल नहीं लाते, मतलब अजाब नहीं लाते जब तक हम उनके पास रसूल ना भेज दें। मैं आज आपकी नहीं बात कर रही, मैं किताब की बात कर रही हूँ। मैं भी किताब की बात कर रहा हूँ, किताब में अल्लाह कह रहा है, जो किताब अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की, तो आदि मानव पर क्यों किताब नाजिल नहीं करी? अल्लाह ताला सब में भेजता है। वाह, आदि मानव पे क्यों नहीं करा? दुनिया को आप कब से मानती है? दुनिया कब से वजूद में आई है? अच्छा, वो 3.4 अरब साल पहले। तब के जो सही वे जिन्हें बोला जाता है, पुरानी किताबें,
या हिस्ट्री, तो वो आपके पास में है। कोई भी पुराने से पुराना जो मजहब है, अभी जो हम लोग जिसको देखते हैं वो 5,000 साल से ज्यादा पुरानी है, 5 या 6,000 साल से, और उससे पहले जो थी वो सभ्यताएं थी। अच्छा, तो सभ्यताएं सभ्यताएं किसी चीज को फॉलो करती थी या नहीं? उसके लिए तो भाई हमारे पास वो सबूत ही नहीं है कि अगर वो किसी को फॉलो भी करती थी तो उनका खुदा भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनका खुदा सही होता तो वो आज ऐसे थोड़ी ना होती, उनकी सभ्यता चल रही होती। क्योंकि कोई भी खुदा जो है वो ये चाहेगा कि उसके जो बंदे हैं, मानने वाले हैं, उनके विस्तार हो और वो लोग और बढ़े और उसका जो मजहब है, उसका जो खुदा है, वो और ज्यादा मतलब ऊपर जाए। पॉपुलर हो, पॉपुलर हो, है ना। हाँ यही। अच्छा, तो आपकी क्या वजह बनी कि आपने इस्लाम को छोड़ा? आपकी क्या वजह बनी जो आपने इस्लाम को छोड़ा? मेरी सबसे बड़ी वजह, मैं तो मतलब दुनियादारी देख के नहीं वो हुई थी कि किसका जो सही है किसका गलत है, मैं तो साइंस को देख करके जो है इस्लाम को छोड़ी थी। साइंस की वजह से इस्लाम मैंने छोड़ा। अच्छा, साइंस की वजह से छोड़ा है आपने इस्लाम? ये इतने इतने बड़े साइंटिस्ट जो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो हाँ बेवकूफ होते हैं। अभी भाई, मैंने उनका ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि वो लोग कुएं में कूदे तो मैं भी कूदूं। आपने कहा ना कि साइंस की वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा है। आपको साइंस का एक अंश भी नहीं है, एक अंक भी नहीं है। देखो वो जो लेकिन जिस जो, सुनिए जिस पहले मेरी बात, इतने हाँ इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि जिनके ग्लोबल दुनिया में नाम है उनका, हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने क्या देखा क्या वो साइंस को अच्छा चलो जानते हैं? ठीक है, आपके जवाब मैं देती हूँ। इसरो में हमारा जो वो है अंतरिक्ष संगठन है, इसरो है ना, वो हमारे देश का काम करता है, तो वो जब भी कोई भी सैटेलाइट जो है वो छोड़ते हैं तो वो नारियल नहीं, तोड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या आप हिंदू खुदाओं को मानेंगे? तो वो भी तो वैज्ञानिक है। अरे भाई वो उनका अकीदा है, कोई वैज्ञानिक ईशा को मानता है, कोई वैज्ञानिक अल्लाह को मानता है, कोई वैज्ञानिक जो है हिंदू खुदाओं को मानता है, कोई वैज्ञानिक यहूदी खुदाओं को मानता है, तो वो उनका अकीदा है, विज्ञान से उसका कोई तालमेल नहीं है। और अच्छा आप नहीं, बोल रहे हो, नहीं अभी आपने सुनो मेरी वैज्ञानिक बात, मान लिया तो आप मैंने बोल अभी रहे हो ना आपको कि एग्जांपल दिया। वैज्ञानिक, आप बोल रहे हो कि वैज्ञानिक ने इस मजहब को कबूल कर लिया तो आप कौन होते सवाल। अरे भाई वो वैज्ञानिक का अपना मत है, वैज्ञानिक जो है वो उसका पद है अलग से, लेकिन उसका नेचर जो है, उसका अकीदा जो है वो अलग है, समझ अच्छा, रहे हो? लेकिन वो तो खुदा में बिलीव करते हैं। तो मैंने कब कहा नहीं करते, करते हैं, हिंदू भी करते हैं, हिंदू वैज्ञानिक भी करते हैं, ईसाई वैज्ञानिक भी करते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये होती है कि ये चीज, ये दुनिया जो है कोई भी चीज अपने आप से बन चुकी है, कि इसको किसी ने नहीं बनाया। हमारे पास सबूत है भाई। वो कोई सबूत नहीं है, शैतान ने आपको बहका रखा है। और कुछ शैतान का ही सबूत नहीं है आपके पास? देखिए, कुरान में हम कुरान को फॉलो करते हैं और हम कुरान का कुरान भी को कोई ही मानते सबूत हैं। नहीं है आपके पास कि कुरान हम, खुदाई किताब है? ये खुदाई ही किताब है। नहीं जी, और ये कोई खुदाई किताब नहीं है। चलो चलो, एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ। पूछिए। आपने, क्योंकि मैं जिस चीज को ज्यादातर, मैंने जिस चीज को हाईलाइट करके इस्लाम को छोड़ा, वो चीज थी पहाड़ों की जो पैदाइश है वो। ये चीज मुझे, ये टॉपिक बहुत अच्छी लगती अच्छा, है। आप मुझे बताएं कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को कैसे पैदा किया और क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कैसे पैदा किया? देखिए, मैं हर हवाला कुरान से दूंगा क्योंकि मैं कुरान पे ही मान रखता जी हूँ, जी ठीक है। अब आप साइंस की बात करेंगे तो ये जमीन जब अल्लाह ने बनाई तो वो बहुत तेजी से घूम रही थी, जैसे कि साइंटिस्टों का और हमारे उलेमाओं का मानना है कुरान के अकॉर्डिंग। हाँ, तो उस जमीन को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ईजाद किया, पहाड़ ठीक। कहाँ से लाए? अल्लाह ताला हुक्म देता है किसी भी चीज को, वो हो जाता है। हाँ तो वो जमीन से ही आए कि कहीं और से आए? जमीन जमीन पहले बन चुकी थी, पहाड़ बाद में आए। पहाड़ बाद में आए, वो जमीन से ही ताल्लुक रखते हैं पहाड़ की? अल्लाह पाक ने कहीं और से गैप से ला करके पहाड़ काटे? हाँ अल्लाह ताला तो जो कहीं से भी ला सकता है, कहीं पे इकट्ठा थोड़ी है। अल्लाह ताला चीज को हुक्म देता है कि ये चीज हो जा तो वो हो जाती है। अब अल्लाह ने पहाड़ों को हुक्म दिया, पहाड़ बने और वो फिर उसको जमीन में गाड़ दिया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है धीरे धीरे घूमती है। तो आपका कहना ये है कि जो पहाड़ है उसकी वजह से, जो मतलब पहाड़ जो है वो अल्लाह पाक ने अलग से ला करके जमीन में गाड़ी है? ला करके नहीं, अल्लाह हुक्म देता है किसी भी चीज को। हाँ तो हुक्म दिया तो वो जमीन का हिस्सा नहीं है ना पहाड़, ये कहना चाहते हो ना? देखो, जमीन का हिस्सा वो बन चुके हैं अब। नहीं, पहले पहले शुरुआत में नहीं, जमीन का हिस्सा नहीं था। पक्का ना? हाँ शायद, चलिए ठीक है, मैं आपको, आपने तो ये बोल दिया, आप साबित नहीं कर सकते कि पहाड़ को अल्लाह ने कहाँ से लाया,
लेकिन हम आपको साबित करके बताते हैं कि पहाड़ कैसे बने थे और कहाँ के हिस्से हो, ठीक है। अच्छा अच्छा बताइए। पेंजिया महाद्वीप थी सबसे बड़ी, सबसे पहले जब दुनिया बनी थी वो सिर्फ एक ही ऐसी लैंड थी जिसके आसपास फिर पानी पानी था। वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से टूटना शुरू हुई और टूटने के बाद कई कई जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो दूसरे द्वीप से जाके टकराए। टेक्टोनिक प्लेट्स के एक जगह से दूसरे जगह सरकने से और एक का दूसरे पे चढ़ने से एक उभार पैदा होता है जिसको हम पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ कई प्रकार के होते हैं, अच्छा और जो पहाड़ होते हैं वो अलग से नहीं गाड़ जाते, वो जमीन का ही हिस्सा होते हैं। यानी कि वो जो वजन भार है वो जमीन में पहले से ही होता है, बट वो उभर जाता है। अच्छा और ये चीज का मैं जीता जागता जो है आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वो है माउंट एवरेस्ट, जो अच्छा 8,448 मीटर लंबा है और वो हर साल 1 नैनो सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा बढ़ता होता है। हाँ है। अच्छा ठीक है। तो ये चीज जो है वो सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह जो है कुरान में झूठ बोल रहा है कि पहाड़ को उसने गाड़ा था। क्योंकि पहली बात सुनो, मेरी बात पूरी होने दो। पहली बात, पहाड़ जो है वो जमीन के अंदर से ही निकल रहे हैं, गाड़ा नहीं गया। सेकंड बात, जो पहाड़ है उसकी जो पैदाइश है वो ऐसे गढ़ के नहीं हुई है, वो उसके उभार से पैदा होते हैं। और सेकंड बात, अल्लाह ने कहा कि हमने पहाड़ गाड़ दिया, यानी कि वो जो समय था वो निकल गया, लेकिन आज भी पहाड़ निर्मित हो रहे हैं, बनना बन रहे हैं पहाड़, और माउंट एवरेस्ट ये ऊंचा हो रहा है। तो चीज ये आपने कहाँ से पढ़ी है? ये चीज कहाँ से पढ़ी है आपने? ये किस चीज को, जो आप ज्ञान दे रही हैं मुझे, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है आपने? अच्छा आपने, आप वो जानते हो भूगोल? हाँ जानता हूँ भूगोल हाँ, थोड़ी। तो वहीं से है ये। अच्छा भूगोल की भाई, किताब मतलब निकालना आप, भूगोल की किताब किसने लिखी है ये बताएं? वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने लिखी है। क्या है? वैज्ञानिक सरस रिसर्च करके सब चीज को लिखते हैं, अच्छा सर्च करते हैं वो दुनिया भर, ठीक है। उनके पास कोई जिब्राइल नहीं आता बताने के लिए। अच्छा मतलब एक ऐसी किताब जिसे दुनिया वालों ने बनाया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप उसको फॉलो कर रही है, ना कि एक ऐसी किताब कुरान तो इसी बात का तो जवाब है ना। ये जो किस बात दुनियावी का? किताब है इसी बात का जवाब है कि कुरान जो है फेक है। क्योंकि अगर कुरान सच में होता, सच में खुदाई किताब होता, तो उसमें ऐसी उठपटांग बातें नहीं होती जिसका कोई सिर है ना पैर है। किस तरह की? आज कोई मुसलमान लड़का भी है, बच्चा पढ़ाई करता है, उससे पूछो पहाड़ की तकलीफ कैसे हुई थी, वो यही नहीं कहेगा कि अल्लाह ने पहाड़ गाड़े। वो कहेगा कि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसकी वजह से पहाड़ बनते हैं। ये तो एक अल्लाह ताला ने क्रिया रखी है ना, क्या ये एक अल्लाह ताला ने क्रिया रखी है पहाड़ों को बनाने की। कैसे? आपने तो बोला कि वो पहाड़ जो है वो जमीन का हिस्सा पहले नहीं थे, अभी हिस्सा बन गए हैं। तो हाँ तो अल्लाह भाई, ताला ने तो बनाया है ना पहाड़ उसके तो जब पीछे। बनते हैं तो जमीन का हिस्सा ही रहते हैं और बस वो उभर जाते हैं। और सेकंड बात, अल्लाह पाक ने कहा जमीन जो है वो घूम रही थी, हिलने लग रही थी, वो तुम्हें लेकर झुकना पड़े। कुरान में है ये बात कि तुम्हें लेकर वो झुकना पड़े, इसलिए मैंने वहां पर अटल पहाड़ गाड़ दिए। तो इससे ये साबित होता है कि पहाड़ जमीन का हिस्सा नहीं था, जबकि असल में वो जमीन का ही हिस्सा होता है। ये वाली बात तो मैं भी कह रहा हूँ। तो फिर आपका इस्लाम तो गलत अच्छा साबित हुआ, और अल्लाह को पता ही नहीं पहाड़ क्या है, तो कैसे इसको खुदा कह रहा जिसको जमीन आसमान पहाड़ का नहीं पता। अच्छा अच्छा बताओ, अच्छा वैसे ऊटपटांग बातें क्या लगी आपको कुरान के अंदर? अच्छा यही तो उठपटांग बात है, यही तो ये सबसे बड़ी ऊटपटांग है। हानि। तो और क्या, देखो कोई भी कुम्हार है वो मटका बनाता है, तो उससे पूछो मटका कैसे बनाते हो, वो अच्छा आराम से बता देगा कि मटका मैं कैसे बनाता हूँ। लेकिन कोई झूठा, सुनो मेरी बात, कोई झूठा इंसान है जो अपने आप को कुम्हार कहता है ना, अब उससे बोलो कि मटका कैसे बनाते, तो वो बोलेगा मैं मटका जो है वो लकड़ी के बुरादे से बनाता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसा करता हूँ, चौकोर बनाता हूँ, षटकोण बनाता हूँ। तो उसको पता नहीं, तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। वैसे ही अगर अल्लाह खुदा होता तो बोलता कि पहाड़ जो है टेक्टोनिक प्लेट्स है, जमीन के अंदर जो स्तर है उसके टकराने से वो भार में पैदा होता है। इसके उल्टा वो क्या बोल रहा कि हमने पहाड़ गाड़ दिए। गाड़ने में और निकलने में जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, होता है। तो ये बात अल्लाह को नहीं पता कि पहाड़ निकलते हैं, गड़गड़ते नहीं है। तो ये देखिए बात सबूत है कि अल्लाह जो है वो झूठा है। सुनिए सुनिए, अल्लाह झूठा नहीं है, ये आपकी बहुत गलत सोच है पहली बात तो, ठीक है। अच्छा झूठा और किसे कहते हैं? दूसरी चीज ये है, देखिए जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया, ठीक है, तो उसने इसको चलाने के लिए एक क्रिया भी रखी, अच्छा, वो जिसे आपकी लैंग्वेज में साइंस कहती है। क्रिया को साइंस नहीं कहते?
किसी भी चीज को करने के लिए आपने नाम दे दिया है उसको साइंस, नहीं तो गलत है। आपका जो ये आपने परिभाषा दी वो बिल्कुल गलत है। आप जो परिभाषा दे रही है उसकी फिर क्या बोलते हैं यार, प्राकृतिक की क्या खुद से है सब कुछ? अरे भी मैंने सबूत दिया ना आपको, आप छोटे से इतने बड़े हो गए, अल्लाह ने खींच के बड़ा नहीं किया आपको, आप तो खुद से बड़े हुए हो ना, ये तो नेचुरली है, होता है, हर कोई होता होगा। अल्लाह ही ने बड़ा किया है, अल्लाह ही सांस देता सबूत है, दो जड़ ना, सांस देता सबूत दो ना, आप सबूत दे दो। सबूत मैं कुरान से दे तो रहा हूँ आपको, तो कुरान तो खुद साबित नहीं है। आप कुरान अरे को भी नहीं सुनो मानते सुनो कि सुनो सुनो, एक झूठा इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है उससे सच्चाई का सबूत मांग रहे हो, ऐसा तो नहीं था? कुरान में हर लफ्ज में झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। और विज्ञान की तो पूरी उसने ऐसी कर रखी है बेचारी की दशा विज्ञान की, कि विज्ञान को विज्ञान कहने में शर्म आता है। तो उस कुरान से जिसने विज्ञान की पूरी तरह से मतलब कर दिया, वो छोड़ो मतलब पूरा तरह से वो कर दिया है, तो उस अच्छा कुरान से आप लोग विज्ञान की बातें ले रहे हो। तो भी पहले पहाड़ का जो वो गाड़ना है वो तो साबित कर दो, फिर अल्लाह साबित होगा। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, क्या ये चांद के और इनके सितारों वगैरह के बारे में जैसा कहा जाता है, पहले पहाड़ को गाड़ना साबित कर लो। सुनिए इसके बारे में हम कब से जानते हैं? किसके बारे में? यही जो ग्रह वगैरह होते हैं, उल्कापिंड वगैरह, इन सब के बारे में हम कब से जानते हैं? जब से वैज्ञानिकों ने खोज शुरू किया। अच्छा तभी से जानते हैं, तो ये 14 लगभग तकरीबन कितना टाइम हो गया वैज्ञानिकों को? बहुत समय हो गया। और अब आप फिर भी किताबें अगर आपके आप पास? इस्लाम की बात कर रहे हो, नहीं, आप इस्लाम से पहले पहले पैदा मेरी बात होने से का जवाब पहले, दें। इस्लाम के पैदा होने से पहले 1400 साल पहले जो मिस्रवासी थे, जो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते थे, उनको हाँ उनको तारे के बारे में पता था। और जो तारों और जो जो तारामंडल है उनके जो नाम है ना, वो भी इस्लामिक नहीं है, और ना वो किसी और के हैं, वो जो है ना वो दूसरे मतलब की जो पहले कोई सभ्यता थी उनके दिए हुए हैं। साइंस मुझे उनका कब से नाम याद वजूद, नहीं आप आ। ये बताइए साइंस कब से वजूद में आई आपकी नजर में? इनके बारे में, इनके यहाँ पे क्या क्या होता है, अच्छा इसके साइंस को वर्तमान क्या समझते हो विज्ञान आप, विज्ञान को क्या समझते हो? को मैं एक कुरान का हिस्सा समझता हूँ। नहीं विज्ञान की परिभाषा क्या समझते हो, विज्ञान क्या है? व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द साइंस? देखिए विज्ञान के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं परिभाषा आप खुद आप तो पहले समझते मुझे हो, बताएं, विज्ञान आदमी है, आप मेरे सॉफ्टवेयर है, सवाल पर किताब सुनिए है, क्या है? सुनिए सुनिए, आप मेरे सवाल पर जो है ना सवाल मत चढ़ाइए अपना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये आपका विज्ञान कब से है जब से और कौन इंसान सी ने, किताब आप? बता रही हूँ, जब से इंसान ने खोजबीन शुरू किया है तब से विज्ञान है। अच्छा कब से की है? आपके पास कौन कौन सी संघ किताबें हैं? कौन सी क्या है, सन कौन कौन सी सन की किताबें हैं आपके पास? की किताबें? हाँ किस किस वक्त की किताबें हैं आपके अच्छा पास? वक्त की किताबें। देखिए पहली बात, किसी भी धर्म में या सभ्यता में कोई इंसान जो है वो विधिवत किसी ज्ञान को अवलोकन करता है, और कोई नई चीज का निर्माण करता है, किसी नई चीज की खोज करता है। तो वो किसी भी धर्म मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो चीज विज्ञान की श्रेणी में आएगी, यानी कि वो चीज विज्ञान में आएगा। समझ रहे हो? तो जहां तक है इंसान की जब से पैदाइश हुई है, जब से उसने खोज बीन करना, ज्ञान को अर्जन करना सीखा है, तब से विज्ञान का वजूद है। अच्छा जी अब आप खुद सोच लो चलिए कि चलिए इंसान ठीक कब है, से है, तो कब से विज्ञान का वजूद है। ये चीज हो गई ठीक है। अब इसके बारे में बताइए, आसमान में जो हो रहा है, क्या आसमान किस तरह चल रहा है, या आसमान में सितारे जो हैं तरह तरह के जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, इन अच्छा जगहों पर क्या सितारों क्या को हो ग्रह रहा है? कहते हैं? हाँ उर्दू लैंग्वेज में सितारे कहा जाता है और वैसे ग्रह कहा जाता नहीं, उर्दू ग्रह में मतलब उर्दू लफ्ज में सितारों को और ग्रह को अलग अलग लफ्ज में बयान किया गया है। है। हाँ बताएं क्या 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 कहा? देखो जो तारा होता है वो तो सितारा कहा गया है, सितारा मतलब सितारा और ग्रह अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होता है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, सितारे और ग्रह अलग अलग होते हैं। जो ग्रह होते हैं ना उसको कहा गया है सैयारा। सैयारा? अच्छा सैयारा कहा गया ग्रह को? वाह गजब की नॉलेज है। आपको नहीं पता क्या? अच्छा एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, एक मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। हाँ जी हेलो। तो जी बताएं। सितारों कहाँ पर थे, मैं भूल गई। पर चल रहा था मामला। हाँ, सितारा तो लफ्ज माने हैं, सितारा का मतलब साफ पता चल रहा है कि सितारा है। तो शैयारा कहते हैं जो सितारों की ओर गोल गोल चक्कर काटते हैं, उनको शैयारा कहते हैं। अच्छा, जी तो सैयारा कहा जाता है। अच्छा जी और शैयारा जो तारों को जो गोल चक्कर काटते हैं वो ग्रह होते हैं, है ना। तो उन ग्रह को हिंदी में नक्षत्र कैसे कहते हैं, तो इन ग्रह नक्षत्र को ही उर्दू में शैयारा कहते हैं। अच्छा जैसे चांद भी एक शैयारा है, क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है। अच्छा, क्योंकि वो चक्कर काटता है। सूरज भी उसे जा हाँ, उसको भी शैयारा कहा है इस्लाम ने। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से। छोड़ो, खैर कुछ और बताओ, मतलब जो टॉपिक थी वो बताओ। है। अच्छा, टॉपिक हमारा इसी पर था। टॉपिक आप तारों के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, इस ताल्लुक से आपसे एक सवाल पूछनी थी। ये जो आसमान थामे है उसको आपने बोला था कोई पकड़ के रखा हुआ, अल्लाह ने थामे हुए हैं हमें। देखिए, हुए हैं, तो मुझे एक चीज, आसमान ठोस है मैं इसमें गया नहीं हूं। हाँ, तो आपको कुरान के सबसे कुछ तो पता होगा कि थाम रखा है। रोके रखा है अल्लाह ने। देखिए, हाँ, तो ये ठोस चीज है, इसके बारे में नहीं पता मुझे। ठोस गैस चीज है है या फिर द्रव है। ये, गो गैस है या बालू है, जो भी है, बहरहाल ये आसमान है और इसे रोक रखा है अल्लाह चलिए ने। हाँ, ठीक है, यही जो है कुरान की, आपने जो बोला ना कि अल्लाह, कुरान में है ना कि अल्लाह ने थाम रखा है, अल्लाह ने रोक रखा है तो ये आसमान। भी एक बहुत बड़ी जहालत की बात है। क्या और किसका इससे था? भी जो है अल्लाह जो है वो ये साबित होता है कि अल्लाह कोई खुदा नहीं है, और वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने कुरान को घड़ाया है, जिसको सच में किसी चीज का नहीं पता आसमान और जमीन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आसमान क्या है। अच्छा, आसमान जिसका मतलब होता है लफ्जी मायने कि बता। हम जहां से क्षैतिज, जो क्षितिज होती है वहां से आसमान मतलब ऊपर देखते हैं, तो वहां एक नीले रंग की जो परत दिखाई देती है हाँ, ठीक है। अच्छा, उसको आसमान कहा गया है। आसमान असल में काल्पनिक चीज है। काल्पनिक है रे, ये काल्पनिक है सुने सुने मेरी बात, वो एक, जी। पहले मेरी बात, आसमान जो एक काल्पनिक चीज है, और ठीक आसमान जो है वो नीला इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि वहां नीले रंग की जो प्रकीर्णन है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये प्रकीर्णन क्या है, वो होता है फैलाव। जो सूर्य प्रकाश है वो सात रंगों से बनी होती है, है। और अच्छा क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो घनत्व से जो है संकीर्ण घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है ना। जो जो विरल माध्यम है वो सघन माध्यम में रूपांतरित है, यानी कि अलग अलग भागों में, कोई सघन है तो कोई विरल है, और इस तरह से सघन से विरल की ओर गया है। तो जब कोई भी अच्छा, सूर्य प्रकाश, सॉरी, जब सूर्य प्रकाश जो है वो आती है पृथ्वी में, तो वो वायुमंडल से टकराती है, और वायुमंडल से टकराती है तो जो वायु के कण होते हैं वो उनको बिखेर देते हैं, है ओह। ना, और उसकी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। देखिए, मैं इस बात पर फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने ये सब क्रिया बना दी है। हाँ, तो आपने बोला ना थाम रखा है, अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष के माने होते हैं उर्दू में खला, है ना, और उसको आसमान कह रहे हो आप लोग। क्यों? आसमान जो है असल में कोई चीज नहीं होती, वास्तविक चीज नहीं है, वो सिर्फ हमको दिखाई देती है, ऐसे हमको इमेजिन होती है ना, ऐसा हमको लगता है कि वो आसमान है। असल में वो आसमान नहीं है, ना ही उसका रंग जो है वो नीला है, असल में वो एक अंतरिक्ष है, और वायुमंडल के कारण वो जो है नीला दिखाई देता है। जो चांद है उसकी जो आसमान है वो काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, है ना। अच्छा, तो ये भी एक सबूत है कि अल्लाह जो है वो झूठा है, उसको सच में आसमान और जमीन का नहीं पता, नहीं तो भी उसको पता होना चाहिए जिसको उसने थाम रखा है। असल में वो थामने वाली चीज ही नहीं है, वो तो खला है, अंतरिक्ष हो तो खाली चीज है। तो ये 6वीं क्लास के बच्चे को पता है लेकिन अल्लाह को नहीं पता, तो ये कैसा खुदा है? देखिए, आप किसी दिन सामने बैठकर बात करिए, आपसे तब बात होगी। चलिए ठीक है फिर। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, आप गलत ट्रैक पर है। नहीं तो भाई, गलत ट्रैक है तो गलत देखिए, साबित करो ना। आप अल्लाह को नहीं साबित कर सकते, कुरान को साबित नहीं कर सकते, शैतान को साबित नहीं कर सकते, पहाड़ को गड़ा हुआ साबित नहीं कर सकते, आसमान को थामा हुआ साबित नहीं कर सकते, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, और कहते हो कि आप गलत ट्रैक पे हो। कुरान में एक आयत है जिसमें कहा जाता है कि इंतजार करो, आखिर पूरा कुछ कुरान ही गलत साबित हो गया है, तब उसके एक आयत बात को सुन लो क्या वो आपके लिए।